हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे आप लोग, होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, आज कुछ अलग ही काम किया गाइस मैंने इसमें से अपना मफलर निकाल दिया, स्टॉक मफलर, मतलब आफ्टर मार्केट मफलर जो मेरा लियोविंस लगा हुआ था वो निकाल दिया गाइस। आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ से हो गया खाली, बट अभी भी गाइस कुछ नहीं है इसमें। एक कैट पूरा है, एक पूरा बॉक्स दे रखा है अलग से, आप देख सकते हैं। तो ये सब आवाज़ को रोकता है, बट अब जो आवाज़ आ रही है वो विदाउट फिल्टर होके आ रही है, तो बहुत ज़्यादा लाउड है। अभी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ गाइस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही गाड़ी। 390 जो लिखवाया है ना मैंने स्टॉक से कुछ हटके कराया, तो वो मेरे को पसंद आया गाइस। मतलब सब लोग का स्टॉक सीकर ही था, जितनी 390 है मेरे ख्याल से बरेली में। ये वाला कलर, मतलब ये वाला जो शेड है, जो ये वाला मॉडल है, मेरे ख्याल सबकी सेम है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ हटके करते हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं किया मैंने, स्टॉक स्टिकर हटा के 390 और RC लिखवा दिया। प्यारा लग रहा भाई। तो गाइस देख सकते हैं इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ये बोल्ट खोलना है, इसका निकल जाएगा। इसमें से दो अलग से वो आएंगे, वो भी हटा देना है, और यहाँ से तो एक बोल्ट खोलना, वहाँ से निकल जाएगा। आप मानोगे नहीं, मेरे को उसको हटाने के लिए खाली 5 मिनट लगे भाई। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी आप लोगों की इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी लग रही बाइक। तो आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ, देख सकते गाइस एसी है लेकिन आखिरी में जाके फटेगी। बहुत लाउड है भाई, बहुत लाउड। कैसी लगी आवाज़? चलो बच्चे को भी पसंद आई, सुन सकते गाइस। थोड़ी ज़्यादा लाउड है क्योंकि आवाज़ फिल्टर होके नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी ज़्यादा लाउड लग रही है। बाकी एंगल सही आ रहा हो भाई, एंगल की बड़ी दिक्कत है। बहुत लाउड है गाइस, मेरे ख्याल से एक्सीलरेशन भी हल्की सी पड़ी है मफलर हटाए तो। और जो बैक फायर मारने लगी अब गाड़ी भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल बैक फायर मार रही है। अभी सर्विस होनी बाकी है, पार्ट्स इसकी आवाज़ कर रहे हैं, वो हो ही जाता है। एक एजिंग के बाद है ना गाड़ी आवाज़ करने लग जाती है, बट वो कोई नहीं है, कंपनी में लेके जाऊंगा, सब सही हो जाएगा। भाई सेकंड गियर पे जो हल्के हल्के पटाखे हैं ना इसके, वो नेक्स्ट लेवल है। एक बार इसका एक्सीलरेशन भी चेक करेंगे गाइस। वैसे आप लोगों को पता है BS4 है, BS4 में बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। अगर BS6 में यही काम करता मैं तो कुछ खास नहीं होता, मफल्ड सी आवाज़ आती है इसमें, पूरी खुल के आ रही है। बहुत प्यारी भाई, और जब डाउन शिफ्ट करो भाई नेक्स्ट लेवल। बता के देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई। इस रोड से धूल बहुत ज़्यादा, अलग ही रिएक्शन मिलता है गाइस। अब लाउड हो गई है गाड़ी तो रिएक्शन तो मिलेंगे ही, लोग देखेंगे ही ये क्या कर रहा है ये बंदा। कुछ लोग बुरे में भी देख सकते भाई, पटाखे देख लो गाइस कितने प्यारे मारे। और डाउन शिफ्ट देखो गाइस, ये मैंने पहली या दूसरी बार ट्राई किया है शायद, मतलब मैं ऐसे करता नहीं हूँ काम, पर मैंने सोचा यार क्यों नहीं एक बार क्या कहते हैं इसका मफलर निकाल के देखते हैं कि कैसी आवाज़ आती है। भाई आवाज़ जो आ रही है बहुत ही ज़्यादा लाउड, बहुत ही ज़्यादा लाउड। आप लोगों को एंगल सही आ रहा हो बस, और आवाज़ सही से पकड़ ली है। इसका एक्सीलरेशन मैं कुछ कह नहीं सकता गाइस, हल्का बहुत तो बड़ा ही होगा, बाकी देखते हैं एक बार। कुछ कह नहीं सकते गाइस, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बट आवाज़ जो हो गई है भाई नेक्स्ट लेवल की। जो BS4 है, BS4 में आप लोगों को पता है पीछे से क्या है, और ये खासियत BS4 में ही है गाइस। BS3 में आप लोगों को पता है कैसी आवाज़ आती है, ऑटो जैसी, टेम्पो जैसी आवाज़ आती है, बट वो प्यारी है भाई, नो डाउट, बहुत पसंद है मेरे को वाली आवाज़ ही, बट थोड़ी थोड़ी वैसी आती है। और BS4 जो है, BS4 में आपको पूरा साइड मफलर के साथ एग्जॉस्ट मिलता है, और तो आप मफलर हटा के ऐसी आवाज़ को इन्जॉय कर सकते हो। BS6 में भी वैसा ही, BS6 में नीचे जा रहा था, उसमें दो कैट हो गए मेरे ख्याल से, हाँ दो कैट है और एक मेन बॉक्स है, मतलब तीन तरह की चीज़ें हो गई जो आवाज़ के हो गई। उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक मेन कैट है और एक बीच में जो बॉक्स है वो है। बल्कि आप लोग आवाज़ इन्जॉय कर सकते हैं भाई, तभी इसमें ऐसी आवाज़ आ पाती है, क्योंकि इसमें एक कैट और एक पूरा बॉक्स है, पता नहीं क्या बोलते उसे एकदम से मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत लाउड हो गई गाइस, बहुत लाउड।
आगे मार रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। एक बार टनल में आवाज़ सुनेंगे। ज़्यादा लाउड भाई, क्या ही बोला जाए। अब इससे मेरे ख्याल से गाइस हीटिंग का भी इशू आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा रेस वगैरह दोगे और ज़्यादा मतलब आरपीएम बढ़ाओगे गाड़ी का, तो मेरे ख्याल से उससे थोड़ा बहुत इशू आएगा भाई। भाई मेरे को इसके पटाखे बड़े पसंद आते हैं भाई, एमटी के तो आपको पता ही है, बट इसके तो नेक्स्ट लेवल ही हो गए भाई, इसके नहीं मार देंगे पटाखे। बट ये जो अब करने लगी है ना भाई, मज़ा आने लग गया गाइस। कुछ नहीं है भाई, 5 मिनट का काम है, लेकिन गाइस ये मैं लंबा रखने के लिए नहीं कहूँगा, मैंने बस 5 मिनट की वीडियो के लिए हटाया है गाइस। आप लोगों को मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग ये हटाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से सही नहीं होता बाइक के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी बाइक है, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों को दिखाना BS4 में कैसी आवाज़ आती है, और मैंने आपको बता दिया 5 मिनट का इंस्टॉलेशन है, मतलब क्या बोलेंगे उसे, 5 मिनट का उतारना है, ज़्यादा को टाइम नहीं लगता, छेने वाला मज़ा आता है। तो चलिए बाकी गाइस मैंने आपको बताई दिया, आप लोग बताइए आप लोग सिनेमैटिक कैसे लगे, आप लोग किस बाइक की आवाज़ कैसी लगी। इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं अच्छे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।